दोस्तों रिसेंटली अगस्त के महीने में एक इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट जो है उसे न्यूज़पेपर्स ने प्रोमिनेंट हेडलाइंस के रूप में कवर किया एंड मीडिया के अंदर इसे हॉटली डिबेट किया जा रहा है। और ये जियोपॉलिटिकल इवेंट था कि 2019 में इंडिया और नेटो के बीच में एक डायलॉग हुआ था एंड फर्स्ट टाइम इसको पब्लिक जो है ग्लेयर मिला है। अगर हम मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रिएक्शन की बात करें तो इंडिया एंड नेटो इन टच फॉर क्वाइट सम टाइम, हम नेटो के संपर्क में हैं। इसके अलावा एक इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन का स्टेटमेंट जो है कि यूनाइटेड स्टेट्स सीक्स टू ऐड इंडिया एज द सिक्स्थ नेशन फॉर नेटो प्लस, इसने इस पूरे मुद्दे के अंदर जो दिलचस्पी है लोगों की उसे और बढ़ा दिया है। नेटो प्लस के अंदर यूएस के जो एलाइज हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इसराइल, साउथ कोरिया, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। अब बात ये आती है कि आखिर इंडिया और नेटो का ये जो डायलॉग है ये इतनी ज़्यादा आईबॉल्स जो है वो क्यों ग्रैब कर रहा है, व्हाई इट इज टर्निंग द हेड्स। नेटो क्या है, इंडिया और नेटो की टाइज जो हैं वो कैसी रही हैं, क्या फ्यूचर है उनका, और ये इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है उसे कैसे अफेक्ट करेगा, आज के इस एपिसोड में हम ये सब जानेंगे। वेलकम टू सुपर आईएएस बाय टेस्ट बुक, आई एम सोनप्रिया। दोस्तों अगर मैं नेटो की बात करूं तो नेटो जो है वो यूएस और उसके वेस्टर्न यूरोपियन एलाइज प्लस कुछ अदर कंट्रीज के साथ में एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है। आज की तारीख में इसमें लगभग 30 मेंबर कंट्रीज हैं और इसका जो फॉर्मेशन है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था एंड सोवियत रशिया जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉर्म करता था, ये दो मेजर पावर्स के रूप में आए और दोनों ही अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। सोवियत रशिया जो है वो तेजी से कम्युनिज्म को स्प्रेड करने में हेल्प कर रहा था, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के अंदर उसकी काफ़ी जो पकड़ है वो मजबूत होती जा रही थी। उधर अमेरिका को टेंशन थी, क्यों, क्योंकि उसके जो वेस्टर्न यूरोपियन एलाइज हैं जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, जैसे फ्रांस है, ईस्ट वेस्टर्न जर्मनी है, ये लोग वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली कमज़ोर हो चुके थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से बहुत सारे लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अपनी जो आर्मीज हैं उसकी साइज को रिड्यूस करना पड़ा था। ऐसे में अमेरिका को टेंशन थी कि कहीं रशिया जो है वो और तेजी से आगे ना बढ़ने लगे। एक्चुअली यूरोप जो है वो दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक ये जो पर्पल शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अमेरिकन एलाइज एंड ये सोवियत रशिया का इन्फ्लुएंस जो है सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के अंदर। मानो यूरोप को एक आयरन कर्टेन ने डिवाइड कर दिया हो, जैसा कि विंस्टन चर्चिल कहते थे। यूएसएसआर के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए अमेरिका ने नेटो जो है उसको डिजाइन किया। नेटो जो है वो कलेक्टिव डिफेंस के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। कलेक्टिव डिफेंस यानी कि अगर किसी नेटो मेंबर की कंट्री पे कोई बाहर की कंट्री अटैक करती है तो सारे नेटो मेंबर्स मिलके कलेक्टिवली उस एक्सटर्नल कंट्री के साथ डील करेंगे और अपनी जो मेंबर कंट्री है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, म्यूचुअल डिफेंस। इसके हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स बेल्जियम में हैं। आप यहाँ पे नेटो मेंबर कंट्रीज को देख सकते हैं। रशिया ने, सोवियत रशिया ने रिस्पांस में एक और पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस बनाया अपने जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर 1955 में, जिसको वॉर्शो पैक्ट कहा गया। ये नेटो के लिए एक तरीके का काउंटर वेट था, नेटो के अपोजिट में था। 1991 में जब सोवियत रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ऑफिशियली जो वॉर्शो है वो खत्म हो गया, लेकिन यूएस और रशिया की जो उस टाइम की टेंशन हैं वो अभी तक लिंगर करती हैं, आप सब जानते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं यूरोप के अंदर ये जो कंट्रीज हैं ग्रीन वाली, ये सारी नेटो की मेंबर्स थी। ये जो ऑरेंज शेडेड पोर्शन वाली कंट्रीज हैं ये सारी वॉर्शो पैक्ट की मेंबर्स थी एंड ये कुछ आपका जो ग्रे शेडेड कंट्रीज हैं
दीज वर नॉन अलाइंड कंट्रीज, गुट निरपेक्ष, क्या था ये? ये तीसरा ग्रुप था जब दुनिया भर के देश जो हैं वो या तो यूएस लेड नेटो को ज्वाइन कर रहे थे या फिर सोवियत रशिया लेड वॉर्शो पैक्ट को। तो कुछ कंट्रीज थी जैसे इंडिया है, यूगोस्लाविया है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है। इन्होंने डिसाइड किया कि ये किसी का पाउन नहीं बनना चाहते, दे वॉन्ट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। वो इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं और जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं उन पे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है उसे मेंटेन करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत क्लियरली कहा नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम न्यूट्रल रहेंगे दुनिया में कुछ भी हो जाए। हम कोशिश करेंगे सारे जो इश्यूज हैं उनको पीसफुल मैनर में रिजॉल्व किया जाए और साथ ही साथ में हम डिफरेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पे अपना पक्ष रखेंगे बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, तथ्यों के आधार पे। 1961 में नॉन अलाइनमेंट समिट हुई फर्स्ट बेलग्रेड के अंदर यूगोस्लाविया में। इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। अब डिस्कस करते हैं व्हाई इंडिया एंड नेटो टॉक्स आर ग्रैबिंग द आईबॉल्स। अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले सुपर कोचिंग के बारे में जानिए। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो सुपर कोचिंग आपके लिए है। यहाँ पे आपको 30+ वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, डेली लाइव क्लासेस सब कुछ मिल रहा है क्वालिटी कंटेंट के साथ एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। आपकी जो फीस है इट इज जस्ट 2500 रुपीज पर मंथ। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं SON20 तो आपको इसके ऊपर 20% ऑफ मिलेगा और ये कोर्स हो जाएगा आपके लिए केवल 2000 रुपये पर महीना। आपको 50% ऑफ चाहिए तो रोज मंडे टू फ्राइडे टेक्स्ट बुक की ऐप पे आप मेरे साथ एक मास्टर क्लास के लिए जुड़ सकते हैं 6 से 6:30 बजे। अगर आप लीडर बोर्ड को टॉप करेंगे तो आपको वहां पे मिल सकता है सुपर कोचिंग के ऊपर फ्लैट 50% का डिस्काउंट। सो डिस्कस करते हैं व्हाई इंडिया एंड नेटो टॉक्स आर ग्रैबिंग द आईबॉल्स। चाइना अपसेट है, उधर डिस्कशन हो रहा है कि इंडिया और नेटो क्लोजर आएंगे तो अच्छा होगा क्योंकि नेटो भी अब चाइना को काउंटर करने के लिए प्लान कर रहे हैं। इधर रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो एशिया पैसिफिक के अंदर भी नेटो लाइक सिस्टम्स जो हैं उनको एक्सटेंड करना चाहते हैं और रशिया जो है उसके इंटरेस्ट को नेगेटिवली अफेक्ट करना चाहते हैं। एक डायलॉग से इतना सब कुछ, क्या है पूरा मुद्दा? दोस्तों बात ऐसी है कि ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायलॉग जो है ये एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट है। द रीजन बीइंग इंडिया एक नॉन अलाइंड कंट्री है, गुट निरपेक्ष देश है। नॉन अलाइनमेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कोर है। जब अब इंडिया नेटो के साथ डायलॉग कर रहा है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आईब्रोज रेज कर रहे हैं कि क्या इंडिया नेटो और यूएस के क्लोजर जा रहा है एंड रशिया से दूर, इसका जियोपॉलिटिक्स पे क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या इंपैक्ट होगा। दूसरा, ये जो एंटायर इशू है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि इंडिया और नेटो जो है दे आर इन टच फॉर क्वाइट सम टाइम। अब ये जो टच की वो बात कर रहे हैं, एक्चुअली इंडिया और नेटो जो हैं उन्होंने ये डायलॉग जब किया तो इंडिया ने एक तरीके से अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए ये डायलॉग किया था। इंडिया नेटो से 2001 से लेकर 2021 तक अफगानिस्तान के अंदर उसने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उन असेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प ले रहा था। इतना ही नहीं, इंडियन ओशियन में जो मैरीटाइम पायरेसी है उसको भी काउंटर करने में नेटो की इंडिया हेल्प लेता है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में जहां चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक एज एन एक्सपेंशनिस्ट पावर चाइना थ्रेट बन चुका है, वहां पे भी इंडिया और नेटो के जो इंटरेस्ट हैं वो अलाइन करते हैं। सो इंडिया इन सब इश्यूज को लेके इस डायलॉग के अंदर गया। लेकिन इस डायलॉग में कुछ डिसएग्रीमेंट्स रहे। एक था एटीट्यूड टुवर्ड्स रशिया। आप सब जानते हैं कि रशिया इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड है ना?
इंडिया के साथ रशिया की जो रिलेशनशिप है 1971 से ही वो काफी स्ट्रॉन्ग रही है। मेजर डिफेंस पार्टनर है, इंडिया को डिफरेंट इश्यूज पे सपोर्ट भी करता है। उधर यूक्रेन इशू के बाद से, स्पेशली जब से रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, मैंने एक वीडियो भी बनाया इस पे, तब से रशिया की और वेस्टर्न पावर्स की बिल्कुल नहीं बनती, तो इस पे भी दोनों का डिसएग्रीमेंट था। चाइना की अगर बात करें तो आपको पता है एशिया के अंदर इंडिया और चाइना राइवल्स हैं, है ना, राइवल कंट्रीज हैं। पर नेटो के कुछ मेंबर्स जो हैं वो चाइना के साथ जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। यहाँ पे भी डिसएग्रीमेंट था। एंड तीसरा था तालिबान के इशू को लेके। उस टाइम पे तालिबान की गवर्नमेंट नहीं थी अफगानिस्तान में, सो इंडिया जो है वो तालिबान को एज अ टेरर ग्रुप ही काउंट कर रहा था। लेकिन आपको पता है 2019 के अंदर यूएस की फोर्सेस की और जो नेटो की फोर्सेस हैं उनका अफगानिस्तान से विड्रॉल की बात चल रही थी, तो बहुत सारे जो नेटो मेंबर्स हैं वो तालिबान को एज अ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर देखना चाह रहे थे। तो यहाँ पे भी नेटो और इंडिया के बीच में डिसएग्रीमेंट था। अब जो सिनेरियो, आप जब ये न्यूज निकल के सामने आई है 2022 में, तो सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो गया है। जहां पे इंडिया और चाइना की टेंशन बहुत ज्यादा और बढ़ गई है गलवान क्लैशेस के बाद में, वहीं पे चाइना और जो नेटो कंट्रीज हैं उनका रिलेशनशिप भी ज्यादा खराब हो गया है। एक, चाइना की इंडो पैसिफिक के अंदर जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं वो, और दूसरा चाइना और रशिया जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं अमेरिका जो है उसको काउंटर करने के लिए, इसलिए नेटो और चाइना के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। उधर अगर मैं रशिया की बात करूं तो नेटो और रशिया के रिलेशनशिप 2022 में तो और ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि फरवरी में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया जो कॉन्टिन्यूड है। बट इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स अभी भी स्पेशल हैं एंड बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इधर अगर तालिबान की बात करें, जो तीसरा मुद्दा था, तो तालिबान जो है उसने अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है, और इंडिया को भी तालिबान जो है उसे कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हो चाइना का मुद्दा अगर हम देखें, तालिबान का देखें, तो कहीं ना कहीं नेटो जो है वो इंडिया के लाइन पे ही है एज ऑफ नाउ। रशिया के साथ जो इंडिया का रिलेशन है और नेटो का रिलेशन है वो बहुत अपोजिट है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई किसी का एनिमी नहीं होता। किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो उस देश के नेशनल इंटरेस्ट से ड्रिवन होती है। सो अगर रशिया और चाइना क्लोजर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया इंडिया से दूर जा रहा है, या इंडिया अगर नेटो के साथ डायलॉग हेल्ड कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया नेटो के पास एंड रशिया के अगेंस्ट जा रहा है। ये सब कुछ टेम्प्रेरी होता है। अब बात करते हैं एक और मुद्दे की, कि क्या इंडिया जो है उसे नेटो प्लस का मेंबर बनना चाहिए, नेटो के साथ अपनी टाइज को और ज़्यादा क्लोज डेवलप करना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स देके जाऊंगी। मेरे अकॉर्डिंग इंडिया जो है उसे अपनी जो नॉन अलाइंड पोजीशन है गुट निरपेक्ष की, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो प्रोवाइड करती है। कैसे? आपको पता है S-400 पे यूएस ने इंडिया को इतना धमकाया था कि आप पे सैंक्शंस लग जाएंगे, फिर भी हमने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो खरीदा। जब हमको यूएस और वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज कहती हैं कि रशिया का ऑयल मत लीजिए, तभी भी हम लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप अपना इशू रिजॉल्व करो। एंड इनफैक्ट पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने भी इंडिया की इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अपने इंडिपेंडेंस डे पे प्रेज किया है। तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड इंडिया नॉन अलाइंड रह के ही ये इंजॉय कर सकती है। दूसरा, इंडिया हमेशा से
एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है उसे सपोर्ट करती आई है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की हेजिमनी या डोमिनेंस नहीं होना चाहिए जियोपॉलिटिक्स के अंदर। इसके अलावा आप नेटो और उसके जो एलाइज हैं उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। चाहे आप यूक्रेन देख लीजिए, नेटो रिफ्यूज टू हेल्प डायरेक्टली। आप अफगानिस्तान देख लीजिए, जिस तरीके से नेटो की फोर्सेस ने विड्रॉल किया तालिबान के हाथ में वहां के लोगों को छोड़ के। क्या आप गलवान क्लैशेस देख लीजिए, नेटो वाज अ म्यूट स्पेक्टेटर। सो यू कैन नॉट ट्रस्ट देम। आप रशिया, जो हमारी ऑल वेदर फ्रेंड है, मॉस्को के साथ जो टाइज हैं उनको रिस्क नहीं कर सकते। आपको बैलेंस बनाना होगा मॉस्को के साथ जो टाइज हैं एंड नेटो के साथ जो डायलॉग है उसके अंदर। एंड साथ ही में वर्ल्ड पीस के लिए भी इंडिया का नॉन अलाइंड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है।